श्री परमात्मा ने नमः। तो हमारा प्रश्न है अर्जित संस्कार, संस्कारों का स्वरूप क्या है, संस्कार कैसे कार्य करते हैं, संस्कारों का निर्माण कैसे होता है। देखिए अस्तित्व में जो कुछ भी है सब कुछ पंच महाभूतों से निर्मित है। जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, महत्व तत्व और वायु तत्व, इन पंच तत्व पंच महाभूतों से ही सब कुछ है जो कुछ इनफिनाइट यूनिवर्स अस्तित्व में है। पृथ्वी और पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त प्राणी जीव जंतु पंच महाभूतों से निर्मित हैं और ये सब पंच महाभूत जब से बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से ही उसका निर्माण उसका सृजन इन पंच महाभूतों से होता है, पंच तत्वों से। अब वो माँ के गर्भ में आया बच्चा, आते ही माँ जैसा भोजन लेती है, जैसा चिंतन करती है, शारीरिक और मानसिक तल पर जो क्रिया होती है उसका इफेक्ट उसका प्रभाव उस बच्चे के ऊपर होता है जो गर्भ में है। इसी अवस्था से संस्कारों का संग्रह निर्माण होने लगता है। फिर माँ जो माता है उसकी जो भावना है जो इमोशंस हैं जो थॉट्स हैं वो बच्चे के ब्रेन को प्रभावित करते हैं, इसे अनुवांशिक कह सकते हैं। और माँ जैसा भोजन खाती है पीती है वो बच्चे के शरीर को प्रभावित करता है। और जन्म के साथ ही बच्चा जब पृथ्वी पर आता है तो बाहरी वायुमंडल का हवा पानी जलवायु का प्रभाव उसके शरीर पर पड़ने लगता है, प्राकृतिक संस्कार उसके चित्त में अर्जित होने लगते हैं। फिर वो जैसे माहौल में रहता है जैसी शिक्षा लेता है जैसी संगत होती है वैसे संस्कार उसके चित्त में निर्मित होने लगते हैं। यदि उसने अपने जीवन में कुसंगत की, नकारात्मक लोगों का साथ किया तो कुसंस्कार उसके चित्त में अर्जित होने लगते हैं। असल में संस्कार कर्मों से अर्जित होते हैं और कर्म और कर्म से संस्कार और संस्कारों का परिणाम हर्ष विषाद सुख दुख के रूप में उसी जीव को व्यक्तिगत भोगना पड़ता है। तो ये सब संस्कार कर्म से निर्मित होते हैं। कर्म मनुष्य जैसा भी करेगा, तमोगुण का दबाव होगा चित्त पर तो आलस्य निद्रा प्रमाद तामसी मलिनता अपवित्रता रहेगी स्वभाव में। तो नकारात्मक कर्म होंगे तो क्लेश युक्त संस्कारों का निर्माण होगा। यदि राजोगुण राजसी प्रकृति है तो सामान्य संस्कार निर्मित होंगे। और सात्विक प्रकृति है मनुष्य की, सात्विक गुण उसके स्वभाव में है तो उसके दैवीय या पुण्य संस्कारों का अर्जन होगा। संस्कारों का अर्जन कर्म से होता है। कर्म के होने ना होने में ये तीन गुण कारण हैं। जब कोई योगी योग साधना से गुणों को तीनों गुणों को प्रकृति में विलय, प्रकृति प्रदत्त इन तीनों गुणों को जब परमात्मा में विलय कर देता है तब वो गुणातीत कहा जाता है। और गुणातीत अवस्था में वो समस्त संस्कारों से मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन कर्म संस्कारों से मुक्त हो जाता है और परमात्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य को अपने मन में अर्जित संस्कार स्मृति डेटा चिंतन के रूप में वो सारे संस्कार अर्जित हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य की बुद्धि में कर्म से अर्जित संस्कार निरंतर इकट्ठे हो रहे हैं और वो सब संस्कार सुख दुख हर्ष विषाद के रूप में आते हैं सामने। कोई भी संस्कार जब उभर के चित्त पर आता है तो चित्त और संस्कारों का एक स्वरूप हो जाता है। चित्त में वही चिंतन चलेगा जो संस्कार में है। संस्कार अर्जित हुआ कर्म से। कर्म हमने क्यों किया? क्योंकि हम तीनों गुणों के अधीन थे। तो कर्म के होने ना होने में तीनों गुण कारण है, उन्हीं से संस्कारों का निर्माण होता है। वो सब संस्कार सुख और दुख के कारण हैं। ये सब संस्कार इस जीव को बार बार गर्भवास की योनि में ले जाते हैं। दूसरे शब्दों में कि मानसिक रूप से देखा जाए तो मन के तल पर ये वृत्तियाँ उभर के आती हैं और चित्त को प्रभावित कर देती हैं।
जब सारे संस्कारों का नाश हो जाता है तब तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो संतों ने कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। यदि आप कुकर्म करोगे, पाप करोगे, किसी जीवों को सताओगे तो उससे आपके संस्कार दूषित निर्मित होंगे और वो सब संस्कार आप ही के जीवन में सुख दुख और हर्ष विषाद का कारण बनेंगे। इसलिए अनिवार्य है कि आप अपने संस्कारों से सावधान रहें और अपने कर्मों से भी, क्योंकि जब पवित्र कर्म करोगे तो पवित्र संस्कार बनेंगे, साधना करोगे तो वो संस्कार निर्मित होंगे जो समस्त संस्कारों का नाश करे। संस्कार का अर्थ है कि जो चित्त में अर्जित भावनाओं, संकल्प विकल्प, स्मृतियों का संग्रह हो रहा है, वो सब संस्कारों का नाश होने के बाद आपको मोक्ष, मुक्ति या निर्वाण प्राप्त होता है, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति। ओम श्री परमात्मने नमः। तो संस्कार कर्म से अर्जित होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार स्मृति पटल पर वो अंकित होते हैं और निरंतर ध्यान के द्वारा उन संस्कारों का नाश करके एक साधक को मोक्ष प्राप्त होता है। तो साधक को अपने संस्कारों से सावधान रहना चाहिए।